भले ही मानवता को शर्मसार करने वाले बहुचर्चित मंडी जिला के सरकाघाट मामले में प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हों और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका हो, लेकिन कई जगहों पर इस मामले को लेकर राजनीति चमकाई जा रही है। राजधानी शिमला में भी समाजसेवी रवि कुमार दलित ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए शिमला के रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास से उच्च न्यायालय परिसर तक पैदल मार्च किया और उपवास रखा। धीरे-धीरे 81 वर्षीय है, उनके गले में जूते की माला डाल दी गई, मुंह काला कर दिया गया। इससे अमानवीय कृत्य क्या हो सकता है? हिमाचल प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं थी और ये भी साफ है कि वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब फेल था। और जब ये मामला सोशल मीडिया में उठता है, उसके बाद जो है ये लोग जो है उस पर एक्शन लेते हैं। ऐसे ना जाने कितने मामले देवभूमि हिमाचल में हो रहे हैं और उसको लेकर जो है हिमाचल की सरकारें और ना तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सक्रिय रहता है, जिसके चलते जो है आज हमें बहुत ही दुखी होकर जो है, हमें पता है कि हाई कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश हैं, वो हाई कोर्ट के बाहर जो है एक व्यवस्था है, तो इसके चलते जो है आज हमें मजबूरन हाई कोर्ट की ओर जाना पड़ रहा है, वहाँ पर उपवास करने के लिए बैठना पड़ रहा है। और हमें सरकारी और पुलिस तंत्र की तरफ से भी हमारे को धमकाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप वहाँ ना जाइए। एक संविधान है, संविधान के अंदर सबको, सभी नागरिकों को अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष जो है हम अपनी मांग रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी मांग को जो है वो प्रमुखता से जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।